नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के 5 दिन बाद मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मिला है। इसके साथ ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को ग्रामीण विकास विभाग मिला है। इधर राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो सिंधिया खेमे के ताकतवर मंत्री तुलसी सिलावट के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विश्वास सारंग को इस बार वन और परिवहन विभाग दिया गया है। शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। वहीं मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 28 मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। सभी के काम का विभाजन कर दिया गया है। आने वाले 5 साल तक सभी डटकर काम करेंगे और प्रदेश का नई ऊंचाई पर यहाँ पर आगे विकास होगा। इधर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप शुक्रवार को रतलाम पहुंचे। मंत्री कश्यप का काफिला जहां जहां से गुजरा वहां वहां शहरवासियों ने मंच लगाकर विधायक का अभिनंदन किया। 2008 के बाद ये पहला मौका है जब रतलाम शहर से मंत्री बना। 2008 में हिम्मत कोठारी मंत्री बने थे। 15 साल बाद चैतन्य कश्यप को मंत्री बनाया गया। शहर में खुली जीप पर सवार होकर मंत्री ने शहरवासियों का आभार माना। कैबिनेट मंत्री कश्यप ने कहा कि जिस तरीके से रतलाम का नमकीन पूरी दुनिया में फेमस है और इसी तरीके से हम अपने कामों के माध्यम से एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। नगर में हमारी जो सारी जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह निश्चित रूप से विधायक बनने के आशीर्वाद से ज्यादा दायित्व का आज स्वागत था कि अब आगे मुझे रतलाम के नाम को पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करना है। आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम रतलाम नगर के नाम को, रतलाम के विकास को तो हम करेंगे ही, परंतु जो प्रदेश के अंदर काम करने का मौका मिला है, उस मौके से जिस तरीके से हमारा रतलाम का नमकीन दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ऐसा ही रतलाम का एक मंत्री आपके लिए, आपके रतलाम के कार्यकर्ताओं का एक मंत्री, दुनिया में एक नई मिसाल पेश करने का प्रयास करूंगा। इधर 22 जनवरी को करोड़ों हिंदुओं की आस्था प्रतीक राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भोपाल से भोजपाली बाबा को भी निमंत्रण दिया गया है। भोजपाली बाबा ने 1992 में यह संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वह शादी नहीं करेंगे। तो आपको बता दें, भोजपाली बाबा ने यहाँ पर एक संकल्प लिया था। 1992 में उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वह शादी नहीं करेंगे, जिसे लेकर अब राम मंदिर का सपना पूरा हो गया है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भोजपाली बाबा को यहां पर आमंत्रण आया है। आपको बता दें, उनका ये बड़ा संकल्प, उनका ये बड़ा त्याग, आज उन्हें निमंत्रण यहाँ पर पहुंचा है। बड़े त्याग के बाद आप देख सकते हैं और भारी खुश है। आपको बता दें, यहाँ पर काफी खुशी है, उन्होंने खुशियां जाहिर की हैं इस बात से कि जहां पर 15 लाख लोग जब राम मंदिर का निर्माण 1992 में वो गए थे और उनका कहना था कि जब मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था तो उन 15 लाख लोगों में मैं भी था, और आज जब 15,000 लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है, 15,000 लोगों को सिर्फ आमंत्रण यहां पर दिया गया है, तो 15,000 लोगों के आमंत्रण में मुझे भी आमंत्रण मिला है, इतनी खुशी हो रही है। इन्होंने कहा कि मेरे सारे संकल्प पूरे हो गए हैं और भगवान राम के मंदिर को लेकर वो काफी खुश नजर आए हैं। जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बैतूल जिले के रहने वाले भोजपाली बाबा, जिनको उनका पूरा नाम तो वैसे रविंद्र गुप्ता है, लेकिन जब से वो भोपाल आए हैं तब से भोपाली बाबा के रूप में जाने, उनसे चर्चा करेंगे कैसे इनका नाम पड़ा और कहाँ से ये पूरी प्रेरणा उन्हें मिली है। बाबा, पहले तो 22 तारीख को आपका सपना जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं रहने वाला भोपाल का हूँ, आजकल बैतूल में रह रहा हूँ, इसलिए भोपाली बाबा था पहले और भोजपाली बाबा हो गया हूँ। मूलतः भोपाल का रहने वाला हूँ। तो आपने जैसे कहा कि कैसे देख रहे हैं, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे को ये आमंत्रण मिला कि
मैं एक छोटे से कार सेवक के रूप में, क्योंकि जब वो 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवा हुई थी उस समय 15 लाख लोग थे। उस 15 लाख लोग में मैं एक छात्र कार्यकर्ता के नाते विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, पुराना भोपाल संयोजक था ABBP का। तो हमारी वाहिनी गई थी तो हम भी उसमें गए थे। उस समय हमारी 21 वर्ष की उम्र थी। तो वहाँ पर 15 लाख लोगों में मैं था। उस छोटे से कच्चा मंदिर बना के आए और अब वो जो कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है हमारे जीते जी, उसमें वो 15,000 लोग रहेंगे, उसमें भी मेरे को आमंत्रण मिला है। तो मैं तो सौभाग्य मेरे जन्म जन्मांतर सफल हो गए। आपने एक प्रण भी लिया था वहाँ पर कि जब तक ये राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक शादी नहीं करेंगे, गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे। अब आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं पूरा हो गया और पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को हम राम मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठापना में समारोह में जा रहा हूँ। जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होने वाली है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप तलाई, News 24/7 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते भिंड की ओर। आपको बता दें भिंड में EOW की टीम ने जनपद पंचायत कार्यालय में उपयंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उपयंत्री ने खेत में बने तालाब के मूल्यांकन और भुगतान के लिए मांगी 72,000 की रिश्वत यहां पर मांगी थी। पर रिश्वत मांगने की शिकायत फरियादी ने EOW पुलिस अधीक्षक से की थी। आपको बता दें जिसके बाद पुलिस अधीक्षक EOW के निर्देशन पर DSP ने अपनी टीम के साथ उपयंत्री को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। उपयंत्री दीपक गर्ग द्वारा काम कराए, नरेगा से काम कराए गए, उनकी रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसमें हमारे द्वारा 100% कार कराया गया है। मौके स्तर पर जांच भी की गई है, जांच में कार 100% पाया गया। इनके द्वारा पहले 2,20,000 रुपये पहले ले चुके हैं जी, उसके अलावा 70,000 की और मांग कर रही थी। इस पर से श्रीमान द्वारा मुझे निर्देशित किया तो इनकी रिकॉर्डिंग करवाई गई। रिकॉर्डिंग में इनकी मांग वार्ता स्पष्ट आई कि 60,000 रुपये दो, 60,000 में काम हो जाएगा। तो उसके द्वारा पैसे नहीं देना चाह रहा था तो इस पर उस। चलिए अब बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के चिरार बिल्डर्स के संचालक सुनील मूलचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ हाल ही में मध्य प्रदेश EOW में 100 करोड़ की धोखाधड़ी के केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों ने बैंक में गिरवी रखी जमीन को बिना लोन चुकाए बेच दिया। मूलचंदानी को शहजहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मिसरोद, शहजहानाबाद समेत कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। मिसरोद पुलिस ने करीब 5 माह पहले मूलचंदानी को गिरफ्तार किया था, वो जमानत पर बाहर आ गया था। कोर्ट से EOW आरोपी बिल्डर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने बताया है कि स्थायी और गिरफ्तारी वारंट वाले आरोपियों की तलाश का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस दौरान पता चला है कि 17 वारंटियों में फरार चल रहा चिनार बिल्डर का संचालक सुनील मूलचंदानी अपने होशंगाबाद रोड स्थित कार्यालय पहुंचा है। इसके बाद TI उमेश पाल सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम बनाकर दबिश दी और आरोपी बिल्डर मूलचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूलचंदानी हमारे मूलतः ईदगाह का रहने वाले हैं और इसके खिलाफ 138 के करीबन 16 स्थायी वारंट थाना शाहजहानाबाद में आए हुए हैं और एक गिरफ्तारी वारंट था। इसके अलावा इसके ऊपर एक मिसरोद थाने में और अभी हाल ही में EOW ने भी एक फॉर्जरी का केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड किया है। लगभग 100 करोड़ का मामला बताया जा रहा है वो। तो इस प्रकार से ये सभी मामलों में फरार चल रहा था तो इसको इसका जो ऑफिस है मिसरोद रोड पर वहां से इसको कल गिरफ्तार कर लिया। इधर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में जब भी रैगिंग के मामले सामने आते हैं तो रैगिंग के समाधान के लिए UGC की गाइडलाइन के अनुसार प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाता है। आपको बता दें एंटी रैगिंग कमेटी भी अपना काम करती है लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग की घटनाएं सामने आने के बाद कमियां उजागर होती हैं और पता चलता है कि जो प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाई गई है और एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य ही बदल दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की इस व्यवस्था में जहां सीनियर छात्र संतुष्ट हैं वही जूनियर असंतुष्ट है। वही जीवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय जाने का दावा किया जा रहा है।
हमारे सीनियर अच्छे हैं काफ़ी और हमसे मतलब पोलाइटली बात करते हैं, हमें कभी ज़रूरत भी पड़ती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीनियर हैं तो रैगिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। अपने यहाँ भी एक ही डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है और भी लगाने चाहिए, अपना मास कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है उधर ग्राउंड है, एक उसके यहाँ लगाना चाहिए और एक एडमिन के यहाँ लगाना चाहिए, तो दो तीन बोर्ड अपने यहाँ और होने चाहिए जहाँ मतलब ज़्यादा लोग बैठते हैं करते हैं। एक अपना ये ग्राउंड हुआ उस तरफ ग्राउंड के लगने चाहिए, जो लाइब्रेरी के सामने वाला ग्राउंड है। एंटी रैकिंग कमेटी बनी हुई है, हमारे पास ऑर्डिनेंस में प्रोक्टोरियल बोर्ड का उल्लेख है, विभाग स्तर पर विभागीय अनुशासन समिति बनाई हुई है, यदि छात्रों में कहीं कुछ विवाद होता है तो उनको कन्वेंस किया जाता है, उनके माता पिता को बुलाया जाता है, प्रारंभिक स्तर पर चीज़ें चूँकि माता पिता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि कहीं आगे कोई कार्रवाई होती है तो प्रोक्टोरियल बोर्ड करता है, एंटी रैगिंग कमेटी करता है। चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में स्कूली वाहन की खस्ता हालत को देखकर प्रशासन गंभीर है और ना ही बच्चों के माता पिता। आपको बता दें हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, यहां खटारा स्कूल वाहन खराब होने पर नादान बच्चों से वैन चालक ने धक्का लगवाया है। बता दें वहां से गुजर रहे SDOP संतोष पटेल ने यह सब देखकर वैन चालक को फटकार लगाई, फिर बच्चों को सरकारी वाहन से घरों तक पहुंचाया। दरअसल हस्तिनापुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं के क्लास के बच्चों को वैन छोड़कर निकली थी, आपको बता दें, लेकिन थोड़ा दूर चलकर वो बंद हो गई। थाना है हस्तिनापुर, वहाँ पर हम लोग गश्त पर थे तो एक सुनसान जगह पर मारुति वैन खराब हो गई थी, उसको कुछ बच्चे धक्का दे रहे थे। उसके बाद हमारा जो फर्ज था, हम लोगों ने पहले प्रयास किया कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, धक्का लगाया, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हुई तो हमने थाने की गाड़ी से जो 4-5 गाँव के बच्चे थे उनको घर तक छुड़वाया और ड्राइवर को समझाइश दी, उसको गाड़ी भी थाने में खड़ी करवाई कि इस तरह से ओवरलोडिंग नहीं करोगे और बच्चों की जो ज़िंदगी है उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते और पूरी तरह से बच्चों को हम आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुरक्षित तो उनके घर तक पहुंचाएं। इधर केंद्र सरकार के नए एक्सीडेंट कानून के विरोध में मध्य प्रदेश के ट्रक ड्राइवर मुखर हो गए हैं। शनिवार को 400 ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर नए कानून का विरोध किया है। राजधानी भोपाल में BPCL, HPCL, IOCL और रिलायंस ग्रुप के ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया। चूंकि प्रदर्शन जारी है इसलिए भोपाल में पेट्रोल डीजल और LPG की किल्लत हो सकती है। केंद्र सरकार के नए कानून में घायल को छोड़कर फरार होने पर चालक पर 10 साल की सजा और 7,00,000 तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसका ट्रक ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर करीब आपको बता दें 1 किलो 700 ग्राम सोना बरामद किया गया है। कस्टम कमिश्नरेट की एयर इंटेलिजेंस यूनिटी ने यहां पर दुबई से इंदौर आई एक एयर इंडिया की फ्लाइट में सोना बरामद किया है। इस मामले में 3 तस्करों को भी पकड़ा गया है। तस्कर आंखों में धूल झोंकने के लिए चांदी के रंग में रंगकर सोना लाए थे। उन्होंने सोने को मोती बेल्ट जैसी कई चीजों में बदल दिया था। सोना तस्करी करने वाले 3 यात्री दिल्ली, जोधपुर और नागपुर के रहने वाले हैं। इधर यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही देशी विदेशी सैलानियों की उत्सुकता ग्वालियर सिटी और संगीत से जुड़े स्थान को खोजने में बढ़ गई है। ग्वालियर की तानसेन की समाधि और स्मारक के साथ साथ तानसेन के धर्मगुरु मोहम्मद गौस के मकबरे को देखने वाले लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। ग्वालियर में हाल ही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगीत का उत्सव तानसेन समारोह का समापन हुआ। ग्वालियर में हजीरा स्थित तानसेन की समाधि और उनके धर्मगुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के परिसर में तानसेन समारोह की महफिलें सजी थीं। अब इसी पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल पर देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा आना शुरू हो गया। इसकी वजह है तानसेन की नगरी के रूप में प्रसिद्ध ग्वालियर को अब यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का तमगा दिया है। सैलानियों की रुचि यहां के संगीत से जुड़े स्थानों का अध्ययन करने के साथ साथ यहां के स्मारकों को देखने में भी बढ़ी है। सैलानियों को यहां के इतिहास और संगीत से जुड़ी कहानियों से रूबरू कराया जा रहा है। अकबर, जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे तानसेन जी, तो उसी क्या ये देखने के लिए आए हैं हम लोग।
घूमने देखा आपने दोनों चीजें हैं यहाँ पर? अभी शुरू किया है, थोड़ा बहुत देखा है, पूरा नहीं देखा अभी। कैसा लगा प्लेस? प्लेसेस तो अच्छा है, और इधर समारोह भी चल रहा था, यहाँ पे आके ही हम लोगों ने सुना कि यहाँ पे समारोह चल रहा है, विश्व संगीत समारोह। हम घूमने आई हूँ ग्वालियर, तो ये तानसेन की मकबरा देखने आई हूँ। सुना है कि यहाँ संगीत की महासमारोह चल रहा है, कालीबा खत्म हुआ, तो बहुत अच्छा जगह है। गुरुवार को परंपरा है कि जहाँ पे गुरुवार को बाबा का मेला लगता है, तो गुरुवार को जियारिन लोग जो आते हैं, सभी प्रकार के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग बाबा पे आस्था लेके आते हैं, बाबा के दरबार में चरण स्पर्श करके दुआ मांगते हैं, और दुआ मांगने के बाद बाबा की बारगाही में जाते हैं, चले जाते हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्शन मिलने के बाद अब मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर तेजी से उभर कर आ रही है। ये जगह सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है। यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्रदान किया है, और इस दर्जे के साथ साथ ग्वालियर की सिटी की जो और जो म्यूजिक की महत्व है और उसकी इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा दिखाई देने लगी है। उन्हीं में से एक है मोहम्मद गौस का मकबरा जो मेरे दाहिने तरफ है, और जो साथ में तानसेन की समाधि या तानसेन का मकबरा है, उसको देखने के लिए देश विदेश के सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिलने के साथ साथ हाल ही में जो तानसेन समारोह भी अभी हुआ है, उसके बाद अब यहाँ आने का सिलसिला टूरिस्ट का बढ़ गया है, और इसमें सिटी ऑफ म्यूजिक में जो महत्वपूर्ण मुकाम है उसमें तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन की समाधि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इस दृष्टि से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इंदौर की ओर, तो आपको बता दें इंदौर नगर निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण का खेल जारी है, जिसे देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद अतिक्रमण हटाने का बीड़ा उठाया है और अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए नजर आए हैं। शनिवार को महापौर भार्गव MYC सदस्यों के साथ द्वारिकापुरी इलाके में पहुंचे। महापौर ने करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में यहां पर पैदल दौरा किया और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि 3 दिन में अपना अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना निगम अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त करेगा। लोगों को समझाएं, मुनादी करें कि वो अपनी प्रेरणा से हटा लें और रास्ता साफ रखें। तो एक हवा बंगले के पीछे से कैट तक, दूसरा द्वारकापुरी की जो 60 फीट रोड है उस पर, विदुर नगर की जो मेन रोड है उस पर लोगों को समझाइश दी जाएगी, और वो नहीं माने तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।